आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता के कारण होता है। पहला है राइजोबियम, दूसरा एजिटोबैक्टर, तीसरा लैक्टोबैसिलस और सबसे लास्ट में क्लॉस्ट्रिडियम। तो खाद्य विषाक्तता जिसे क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। तो जैसे कि जो हम भोजन करते हैं ना, भोजन, तो अगर हम मान लो दूषित भोजन कर रहे हैं तो इसी में क्या होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं या कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे गले के आसपास, गला जो होता है हमारा अंदर, यहाँ पर क्या कर देते हैं, संक्रमण, इन्फेक्शन कर देते हैं और इसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। तो आपने देखा होगा कि आपके जब आप जब खाना खाते हो तो चुभता होगा इस तरह से, तो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो नॉर्मली फूड पॉइजनिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग देखने को मिलता है नॉर्मली। तो इसका राइट आंसर है पहला राइजोबियम, गलत होगा एजिटोबैक्टर, ये भी गलत होगा लैक्टोबैसिलस, ये भी गलत होगा, सबसे लास्ट में क्लॉस्ट्रिडियम। तो इसका राइट आंसर डी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आओगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।